नमस्कार, मैं भाग्यश्री। ईद मुस्लिम भाइयों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार रमजान महीने का 30 दिन का रोजा पूरा करने के बाद चांद देखकर मनाया जाता है। इसे लोग ईद उल फित्र भी कहते हैं। नागपुर में भी यह त्यौहार 10 या 11 तारीख को चांद देखकर मनाया जाएगा। ईद के दौरान बढ़िया खाने के अतिरिक्त नए कपड़े भी पहने जाते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच तोहफों का आदान प्रदान होता है। रमजान महीने में फितरा निकाला जाता है, मतलब इस्लाम को मानने वालों का फर्ज होता है कि अपनी हैसियत के हिसाब से इस दिन जरूरतमंदों को दान दे। इस दान को इस्लाम में जकात और फितरा भी कहते हैं। ईद पर मीठे पकवान खास तौर पर शीरखुरमा बनाया जाता है, इसीलिए इसे मीठी ईद का भी नाम दिया जाता है। लोग परिवार संग इसे खाते हैं, मेहमानों को भी खिलाते हैं। ईद बांटी जाती है, ईद की खुशियां एक दूसरे के साथ साझी की जाती है। गले मिलकर सभी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। लोग नए कपड़े में ईद को सेलिब्रेट करते हैं। ईद उल फित्र इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के सभी महीनों की तरह यह भी नए चांद के दिखने पर शुरू होता है। यह त्यौहार मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। ईद उल फित्र दरअसल दो शब्द है, ईद और फितर। असल में ईद के साथ फितर को जोड़े जाने का एक खास मकसद है। वो मकसद ये है कि रमजान में जरूरी की गई रुकावटों को खत्म करने का ये ऐलान है। साथ ही छोटे बड़े, अमीर गरीब सबकी ईद हो जाना, यह भी इस त्यौहार का उद्देश्य है। इस त्यौहार को सभी आपस में मिलजुल कर मनाते हैं और खुदा से सुख शांति और बरकत की दुआएं मांगते हैं। ईद पूरी दुनिया में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे देश में भी ईद पर बाजारों में खूब रौनक देखने मिलती है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ईद का उत्सव मनाने के लिए अल्लाह ने कुरान पाक में पहले से ही दो सबसे पवित्र दिन बताए हैं, जिन्हें ईद उल फितर और ईद उल जुहा कहा जाता है। इस प्रकार ईद मनाने की परंपरा अस्तित्व में आई है। रमजान के महीने में अल्लाह की तरफ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। इस महीने की बरकत में अल्लाह ने बताया कि इसमें मेरे बंदे मेरी इबादत करें। इस तरह से ईद का त्यौहार बड़ी खुशियों के साथ मनाया जाता है। आप सभी को NBC न्यूज की ओर से ईद के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह से ईद त्यौहार बड़ी ही खुशियों के साथ मनाया जाता है। आप सभी को NBC न्यूज की ओर से ईद त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं।